बच्चा प्लस इन दोनों में से वन कॉमन निकलता है, प्लस वन बच्चा मल्टीप्लाई भाई पूरी चीज़ आपने आइडेंटिटी निकाल दी। अब क्या हुआ, ये x+1 x-1 x+1 अब इन दोनों में x+1 x-1 टू टाइम्स है, तो एक बार कॉमन निकाल लोगे ये वाला x+1 ये मिल गया मल्टीप्लाई x+1 x-1। यहाँ पर x+1 है, यहाँ पर x+1 कैंसिल कर दिया, यहाँ पर भी x+1 है, यहाँ पर भी कैंसिल कर दिया, यहाँ पर x-1 है, यहाँ पर x-1 पूरा सब चीज़ें कैंसिल कर, वन वन बच गया। कैंसिल करते हो तो वन बचता है ना, माइनस करते हो तो जीरो बचता है, जब कैंसिल करते हो तो वन बचता है, याद रखना। बच्चे बोले कैंसिल कर दिया जीरो बचा, जीरो नहीं बचा, कैंसिल का मतलब जब कैंसिल करोगे तो वन बचेगा, माइनस करोगे तो जीरो बचेगा। मैं लिखूँ 2/2 और मैं लिखूँ 2-2, 2 में 2 माइनस करोगे तो जीरो बचेगा, लेकिन 2 में 2 कैंसिल करोगे तो वन बचेगा। समझ आ गई बात, इसका अंदर चेक कराओ, फाइव का थर्ड पार्ट दिखाओ, अंदर चेक कराओ, वन आ रहा है, ठीक है। अब कौन सा फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट की शक्ल दिखाओ, फोर्थ पार्ट की शक्ल हो गया 8y+3 8y+3/9 मल्टीप्लाई बाय 12y+1/4y+3 डिवाइडेड बाय 8y+1/5, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, इनको दिया हुआ है क्या, कौन सा पार्ट है, पार्ट कौन सा पार्ट है, पार्ट पार्ट फोर, ठीक है। ये पेजेस निकलने नहीं चाहिए, बाद में जो निकलने चाहिए अपने पर रिकॉर्ड में रखो, ये बाद में फिर पता नहीं क्या हो, पेजेस निकल गए, गुम हो गए, मैं कैसे करूँ, ये सब नहीं होना चाहिए। कहते ये आपका पार्ट फोर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये मैं लिख लिया 8y+3/9 मल्टीप्लाई बाय 12y+1/4y+3 मल्टीप्लाई बाय, ये जो डिवाइड है ये तो कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई में तो क्या होता है, चीज़ें उलट जाती हैं, 5 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, 8y+1 ऊपर तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या, तो कैंसिल कर लिया, 4 × 4 4 × 3 = 12 हो गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, y+1 इधर भी है, y+1 दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर बचा 8 का 8 y+3 y+3/9 मल्टीप्लाई बाय 4 × 4 4 × 3 = 12 3 आ गया, ये 3 बच गया था, ठीक है। ये तो कैंसिल, 3 बचा ना, ये दोनों ऊपर कैंसिल हो गए, खत्म हो गया, अपॉन नीचे y+3 बचा मल्टीप्लाई बाय 5/8 कैंसिल होता है, 5/8 बचा। अब क्या, y+3 इधर भी है और y+3 इधर भी है, ठीक है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, इधर क्या बचा 8/9 मल्टीप्लाई बाय इधर 3/1 मल्टीप्लाई बाय 5/8 तो हाँ, वो मैंने सब लिख दिया आसानी समझने के लिए, ताकि तुम लोगों को आसानी हो। ठीक है, ठीक है, 8/9 मल्टीप्लाई बाय 3/1 मल्टीप्लाई बाय 5/8 इस 8 से 8 कैंसिल हो गया, इस 8 से 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 × 3 = 9 ये हो गया, ये हो गया इधर 1/3 वो इधर 1 बचा, इधर 1 बचा, इधर 5 बचा, 5 मतलब 1 से 5 आ जाएगा, ये सिर्फ 3 मतलब 1 मतलब 3 5/3 बचा। आधा चेक करो 5/3 पार्ट 4, हाँ ठीक है। और पार्ट 5 भी क्या है, कितने पार्ट हैं, पार्ट 5 की शक्ल दिखाओ, कहाँ पर है पार्ट 5 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 q²-25 तुम्हारी बुक का है, करा मैं इसकी बुक वाली का है, पार्ट 5 का करना है। कितने कर लिए, पूरे 6 कर लिए, 1 2 3 4
पार्ट 5 है क्यू स्क्वायर माइनस 25 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 3 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर प्लस 5 क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब इसको हमने बना लिया, क्या बना लिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस 25 का बना लिया हमने, क्यू स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बना लिया, इसका माइनस 20 स्क्वायर अपॉन इसको क्यू स्क्वायर माइनस 3 क्यू, हमने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया, डिवाइडेड बाय इन दोनों में से क्यू कॉमन निकाल लिया तो क्यू प्लस 5 बचेगा अपॉन इन दोनों को भी बना लिया, इसका माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्यू माइनस 5 क्यू प्लस 5 अपॉन इन दोनों का भी हमने कुछ नहीं किया छोड़ दिया है डिवाइडेड बाय इसमें से क्यू हमने कॉमन निकाला क्यू प्लस 5 बचा अपॉन इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लिया तो ये क्यू माइनस 3 क्यू प्लस 3 हो गया। अब क्या हुआ, क्यू माइनस 5 क्यू प्लस 5 अपॉन क्यू इन दोनों में से हमने क्यू कॉमन निकाल लिया तो क्यू माइनस 3 बच गया, इन दोनों में से क्यू निकालोगे तो क्यू माइनस 3 बचेगा मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अभी डिवाइड था इसका मल्टीप्लाई में करोगे तो नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, क्यू माइनस 3 क्यू प्लस 3 ऊपर आ गया और क्यू क्यू प्लस 5 नीचे आ गया, डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, अब क्यू प्लस 5 इधर भी है, क्यू प्लस 5 इधर भी कट गया, क्यू माइनस 3 इधर भी है, क्यू माइनस 3 कट गया, यहाँ क्या बचा, क्यू माइनस 5 क्यू प्लस 3, क्यू माइनस 5 क्यू प्लस 3 बचाना, माइनस 3 का लिखा है, क्यू माइनस 5 बचा और क्यू प्लस 3 बचा। ठीक है, अच्छा अच्छा वो नहीं करिए, क्यू माइनस 3 क्यू माइनस 3 करने लगे, देखो क्यू प्लस 5 से क्यू प्लस 5 कैंसिल हो गया, क्यू माइनस 3 से क्यू माइनस 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, क्यू माइनस 5 और क्यू प्लस 3, क्यू प्लस 3 क्यू माइनस 5 का क्यू माइनस 5 क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 3 बच गया। ठीक है, और नीचे सिर्फ क्यू बचा, इसका क्यू और क्यू मल्टीप्लाई का क्यू का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आंसर चेक करें, आंसर बोलो, आंसर बोलो, क्यू माइनस 5 क्यू प्लस 3 अपॉन क्यू का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रही बात, ये पार्ट 6 ये है, पार्ट 6 हमारी बात ये है, पार्ट से दिखाओ क्वेश्चन, दिखाओ शिकल का क्वेश्चन, शिकल दिखाओ, 4 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 4 जेड स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, पार्ट 6 जो है, पार्ट 6 है 5 अपॉन 6 6 का हमारा क्वेश्चन है 4 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 4 जेड स्क्वायर माइनस 4। इसमें क्या किया हमने, 4 का 4 लिखा, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, जेड स्क्वायर 5 का फैक्टर बनाओगे तो क्या होगा, 5 और 1 बनेगा, 5 में से 1 माइनस कर दोगे तो 4 आ जाएगा, तो माइनस 5 जेड प्लस जेड तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 में से जेड वगैरह तो 4 जेड आ जाएगा। ठीक, समझ आ रही बात, ये माइनस 5 को माइनस 5 उतार गया डिवाइडेड बाय 2 अपॉन इसको 2 लिख दिया, 4 जेड स्क्वायर को ये इसका मैंने 20 बनाया, इसको ये बन गया 2 जेड का स्क्वायर, वो जेड स्क्वायर का माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या 4 अपॉन, अब ये इन दोनों जेड स्क्वायर जेड में से जेड कॉमन निकाल लोगे तो क्या जेड प्लस 1 बचेगा, इन दोनों में से माइनस 5 माइनस का माइनस आता है 5 कॉमन निकाल लोगे तो जेड प्लस 1 बचेगा डिवाइडेड बाय 2 ऊपर का 2 है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। अब क्या हुआ, 4 अपॉन जेड प्लस 1 जेड प्लस 1 2 टाइम्स है तो एक बार कॉमन निकाल लोगे जेड प्लस 1 और ये जेड माइनस 1 बिजली का बच जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, 2 जेड माइनस 2 और 2 जेड प्लस 2 ऊपर चला गया और ये 2 नीचे आ गया, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 और 2 अंदर 2 तो ऊपर कैंसिल कर दिया हमने, ऊपर क्या बचा 2 और इधर क्या बचा, ये पूरी चीज़ तो 2 लिखा आपने और ये पूरी टर्म आपने 2 जेड माइनस 2 2 जेड प्लस 2 डाल दिया, अब और नीचे क्या बचा, ये चीज़ बची जेड प्लस 1 और जेड माइनस 5 बचा। ठीक है, समझ आ रहा है, अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने मल्टीप्लाई करा दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 जेड हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई माइनस 4 हो गया, ये कैसे मल्टीप्लाई कराया, 4 जेड कहाँ से आ गया, ये 4 जेड ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 जेड कहाँ से आ गया,
ये दोनों ब्रैकेट के बाहर नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये दोनों से होगा ना, ये इससे भी होगा, इससे ब्रैकेट के बाहर है ना। क्या क्या जी मुखरी बोले सर, ये थोड़ी करेंगे, ये थोड़ी करते हैं। यहाँ से तो इन्होंने सही किया, मैं बता रहा हूँ। अब देखो इस तरह हो तो क्या करोगे, जो टू इसको छोड़ दो अकेले, पहले इन दोनों ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई करो, टू जेड को टू जेड से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, बल्कि यूँ करो ए माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है इसके ऊपर, ए माइनस क्या बनेगा यहाँ पर, यानी टू जेड का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, ये बनेगा ना, ये बनेगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी है प्लस बी, और टू ये वाला बाहर है, अपॉन जेड प्लस वन जेड माइनस वन, इनको तो मल्टीप्लाई कराएंगे, ये प्लस बी माइनस बी तो बन नहीं सकता, जेड को जेड से मल्टीप्लाई कराओगे तो जेड स्क्वायर, जेड को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई कराओगे माइनस फाइव जेड, आंसर में जेड प्लस फाइव, जेड प्लस फाइव कैंसिल हो रहा है ना, तो अच्छी तो छोड़ देते, मैं इसको नहीं बनाते जरूरत ही नहीं है, इसको भी छोड़ देते, भी तुम्हें इसको फैक्टर बनाए दो, जेड प्लस वन और जेड माइनस फाइव ही छोड़ देते हैं, ठीक है। टू जेड माइनस टू, टू जेड माइनस टू, टू और टू माइनस वन, ठीक है। आप देखो देखो टू की जगह टू लिख लिया हमने, इसको बना लिया ए माइनस बी प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाले को हमने पहले नहीं लिखा हुआ, अब ये टू का टू रहेगा, अपने ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अच्छा इसमें मतलब मसला मतलब कि हाँ इधर इधर होता नहीं है, असल में हमें जो दोबारा खोलेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी ना हमारी, इसको कहीं इसका मतलब यही चीज़ बन जाएगी ना, हमें तो नीचे कोई ऐसी चीज़ आनी जो इन दोनों में आपस में कैंसिल हो सके, जेड प्लस वन बनाना है इसको यू भी नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट हम कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकाल देखो ये टू अपनी जगह मौजूद है, ये टू लिख लिया, इस टू जेड माइनस टू में से टू कॉमन निकल सकता है, अंदर से टू कॉमन निकल तो क्या बचेगा यहाँ पर, जेड माइनस वन, इन दोनों में से ये वाला टू ये रहा, ठीक है, ये वाला टू ये रहा, इन दोनों में से हमने ये ब्रैकेट खोला, हमने इन दोनों में से टू कॉमन निकाल लिया तो जेड माइनस वन बचेगा, ये बंद कर दिया, अब इन दोनों से भी टू कॉमन निकाल लो प्लस तो जेड प्लस वन बचेगा, ठीक है, इन दोनों में से भी टू कॉमन है जेड प्लस वन बचा, इन दोनों में से टू कॉमन निकाला जेड माइनस वन बचा, अपॉन जेड प्लस वन नीचे ऑलरेडी मौजूद है और जेड प्लस फाइव जेड माइनस वन, ठीक है, अब जेड प्लस वन, अब तो ये सारी चीज़ें ऊपर बोली मल्टीप्लाई बाई टू, मल्टीप्लाई बाई टू, मल्टीप्लाई बाई टू, टू टू द फोर, फोर टू द एट, जेड माइनस वन और जेड प्लस वन, ठीक है, टू टू द फोर, फोर टू द एट, जेड माइनस वन, जेड प्लस वन, ठीक है, अपॉन जेड प्लस वन और जेड माइनस फाइव, जेड प्लस वन जेड प्लस कैंसिल हो गया तो क्या बचा, एट जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन, बांधा चेक करो, आंसर दिखाओ, आंसर दिखाओ, आंसर दिखाओ, एट जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन, ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट हो गया, क्वेश्चन है ये टू है, ये भी टू है, ये भी टू, टू टू द फोर, फोर टू द एट, जो सेम हो तो उसको मल्टीप्लाई करो, सो सेम का मतलब बदलो थोड़ी है, यहाँ पर थ्री हो तब भी मल्टीप्लाई करना, थ्री टू दिक्स सिक्स ट्वेल्व कर देते हैं, सेम कैसे मल्टीप्लाई नहीं कर, क्योंकि अलग अलग नंबर है ना, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंपल, और जेड माइनस वन और जेड प्लस वन बच जाएगा, समझ आ गई बात ये, तो क्वेश्चन फाइव का पार्ट सिक्स, क्वेश्चन फाइव में सारे पार्ट हो गए, ठीक है, और फिर आगे देखते हैं आगे क्या करना है, अब देखो मैं पहले ये पहले मैं क्वेश्चन सेवन का एक पार्ट करा देता हूँ, बाकी सारे पार्ट कोई भी क्वेश्चन सिक्स बाद में कराऊंगा, पहले सेवन का एक पार्ट करना, बाकी सब करोगे सिक्स, आप सिक्स में बाद में खुद करवाऊँगा, ठीक है, ठीक है, अब हम कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 है ना, ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेवन का पार्ट, क्वेश्चन सेवन के इतने सारे पार्ट दिए हैं, ठीक है, कितने पांच पार्ट दिए, कौन सा मुश्किल लग रहा है वो बता दो, बाकी तुम खुद करोगे,
कुछ सेवन के इतने सारे पार्ट है, कौन सा पार्ट करा दूँ बताओ, बाकी तुम बाकी पार्ट तुम लोग खुद करोगे। कौन सा पार्ट करा दूँ? पांचवा करा दूँ, पांचवा पार्ट करा दूँ। कौन सा मुश्किल लग रहा है जल्दी बोलो, पांचवा करा दो। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेवन का पार्ट फाइव करवा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर सेवन का पार्ट फाइव। ए बी स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए प्लस सी डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर बी माइनस डी। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या दी गई आपको, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू थ्री, सी की वैल्यू माइनस थ्री, डी की वैल्यू टू। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, देखो आपको दिया हुआ है ए बी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू दी गई है, ए बी सी डब की वैल्यू दी गई है। इन वैल्यूज को तो पुट करना है, सॉल्व करना है। आप लिखोगे पहले सोल्यूशन। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट करें, अब हम ए की जगह ए की वैल्यू क्या है, वन वन मल्टीप्लाई बाय बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है थ्री, तो थ्री का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है माइनस थ्री। ठीक है, अपॉन ए, ए की वैल्यू क्या है वन, प्लस सी की वैल्यू क्या है माइनस थ्री, और डी की वैल्यू क्या है टू। ठीक है, सी और डी स्क्वायर पता मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, डी का स्क्वायर है तो टू का स्क्वायर हो जाएगा, समझ आ रही बात ये। मल्टीप्लाई बाय सी, सी की वैल्यू क्या है माइनस थ्री, प्लस डी, डी की वैल्यू क्या है टू, अपॉन ए का स्क्वायर, ए क्या है वन, वन का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, बी क्या है थ्री, थ्री फिर माइनस माइनस फिर डी, डी की वैल्यू क्या है टू। सही है, ये कर लिया आपने। अब क्या करेंगे आप बताओ, क्या आएगा वन मल्टीप्लाई बाय थ्री का स्क्वायर नाइन, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस थ्री, अपॉन ये क्या हो जाएगा वन का वन प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस थ्री ये माइनस थ्री, अभी मैं अभी रखा पहले स्क्वायर से सॉल्व कर लें, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री प्लस टू, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा माइनस वन, साइन से बताया करो, वन का स्क्वायर वन, थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस टू। ठीक है, अभी हो गया वन मल्टीप्लाई बाय नाइन, कितने हो गए नाइन प्लस थ्री अपॉन वन की जगह वन, अभी प्लस माइनस माइनस फोर थ्री था ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय माइनस वन अपॉन थ्री वन था थ्री माइनस टू, समझ आ रही बात। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा, नाइन प्लस थ्री अपॉन वन माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई माइनस वन अपॉन थ्री माइनस टू। ठीक है, बताओ नाइन प्लस थ्री कितने होते हैं, ट्वेल्व अपॉन वन माइनस ट्वेल्व कितने होंगे माइनस इलेवन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन अपॉन थ्री माइनस टू कितना होगा। ठीक है, वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वन बचेगा, ट्वेल्व मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वन से। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस वन बचेगा ना, यहाँ पर ट्वेल्व माइनस वन बचेगा, ट्वेल्व मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वन से तो क्या हो जाएगा माइनस ट्वेल्व अपॉन माइनस इलेवन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ट्वेल्व अपॉन इलेवन, इसका आंसर कहाँ से चेक करो। क्वेश्चन नंबर सेवन का पार्ट फाइव, ट्वेल्व अपॉन इलेवन। ठीक है, समझ आ गई, इसी पैटर्न पर ये सारे पार्ट कर दें आप लोगों को, ये करके लेकर आओगे कल का काम है मैथ्स का, समझ आ गई। सर यहाँ पे तो माइनस दिया हुआ है, रूट लगा हुआ है, उसमें रूट बना देंगे।